बड़ी खबर लखनऊ से आपको दे दे, जहां पर DGIG कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा दिन है और कॉन्फ्रेंस में आज भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कॉन्फ्रेंस में आज अपने विचार रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के आंतरिक सुरक्षा समेत विभिन्न ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर होगा मंथन। पुलिस हेडक्वार्टर में DGIG कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज है तीसरा दिन DGIG कॉन्फ्रेंस का और आज भी कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इसमें शामिल होने वाले हैं। कल दूसरा दिन था, कल भी प्रधानमंत्री ने शिरकत की थी इस कॉन्फ्रेंस में और DGIG कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन कई बड़े मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। कॉन्फ्रेंस में आज अपने विचार रखने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश की आंतरिक सुरक्षा समेत कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं, जैसे देखिए कल पुलिस आधुनिकीकरण को लेकर भी बातचीत हुई, तस्करी को लेकर भी बातचीत हुई। मयूर शुक्ला जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गया। मयूर का रुख कर लेते हैं और मयूर देखिए आज तीसरा दिन हो गया है कॉन्फ्रेंस का, कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी, आज का दिन कितना ज्यादा खास है और आज कौन से बड़े मुद्दे हैं जिस पर इस कॉन्फ्रेंस में बातचीत होगी? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ में आज तीसरा दिन है। कल वो DGP कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे और ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूरे देश से लगभग 200 IPS अफसर लखनऊ में मौजूद हैं। DGP हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, IPS अफसर, और लगभग 150 लोग वर्चुअली जुड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी से कल उनकी लंबी बातचीत चली और 2014 के बाद से ही लगातार प्रधानमंत्री मोदी ये जो कॉन्फ्रेंस DGP कॉन्फ्रेंस देश भर में होती रहती है उसमें शामिल रहे। तो कल तमाम सारे मुद्दों को लेकर, चाहे वो साइबर क्राइम को लेकर हो, चाहे वो ट्रेसपासिंग को लेकर हो, चाहे वो वामपंथी उग्रवाद को लेकर हो, तमाम सारे मुद्दों को लेकर जो DGP हैं पूरे देश भर के, उनके साथ बैठक हुई, बातचीत हुई, तमाम सारे पॉइंटर्स भी उसके निकाले गए। और आज यानी कि आज जो दूसरा दिन है DGP कॉन्फ्रेंस में, जब प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और भी मुद्दों पे चर्चा होगी, उसके बाद वो अपना संबोधन करेंगे। संबोधन में वो और इन चीजों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, दो दिन की बैठक का क्या निचोड़ निकला है, कंक्लूजन क्या है, किस तरीके से जो पुलिसिंग की व्यवस्था है वो हर राज्य में एक जैसी हो सकती है, कई राज्यों में अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था है, कई में बेहतर नहीं है, तो सुझाव का आदान प्रदान भी हुआ है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हुआ है, और मोटिव क्या है और आगे का विजन क्या है इसको लेकर भी बातचीत हुई है। तो कहीं ना कहीं बहुत अहम है और ये उत्तर प्रदेश में पहली बार DGP कॉन्फ्रेंस हो रही है, खासतौर पे DGP मुख्यालय पर जो व्यवस्था है वो पूरी चाक चौबंद की गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज जो है लखनऊ में तीसरा दिन है और लगभग 4 बजे तक ये बैठक चलेगी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज भी कॉन्फ्रेंस मयूर और इसको लेकर तमाम बड़ी जानकारी आगे भी आप हम तक पहुंचाएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।